अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर दिनेश सोनकर ने स्वीकारा है कि दवा खरीद फरोख्त में लगभग 6 लाख का घोटाला हुआ है, जिसकी जांच किया जा रहा है। जो इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण का कैक से कोई भी संबंध नहीं है। जिला महिला अस्पताल में दवा की खरीद में घोटाले वाले मामले में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रमुख अधीक्षक जिला महिला अस्पताल के डॉक्टर दिनेश सोनकर ने कहा कि वैक्सीन वर्ल्ड के आवंटित 26,000 वाट कटौती जो नहीं हुई वह है 28,000, सर्जिकल में 2,48,000, NBL 1,90,000 हुआ है। इस बारे में विस्तार से बात करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, इसकी अनुपालन आख्या अलग अलग कस्ता पर करते हुए एक माह के अंदर, एक महीने के अंदर हमको क्या है पूरा प्रकरण सर? मुझे भी ये 2 दिन पहले समाचार पत्र में प्रकाशन के उपरांत प्राप्त हुआ है। तो अपने कार्यालय के अभिलेखों के हमने निरीक्षण किया तो उसमें ये देखा गया कि ये 16-17 का प्रकरण है और 2 पूर्व SIC से संबंधित है, जिसमें एक SIC डॉक्टर गुप्ता द्वारा जो है व्हीकल का भुगतान लिया गया है, जिसको अनियमित माना गया है, क्योंकि सरकारी व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए अपनी पर्सनल व्हीकल का भी भुगतान लिया है, जिसमें 26,000 की अनियमितता पाई है, जिसके लिए उनको पत्र लिखा है कि ट्रेजरी में जमा कर उसको सूचित कर दें, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इसको कर देंगे। और ये क्लर्कियल मिस्टेक बताई है उन्होंने, मैं संबंधित क्लर्क से भी पूछताछ करूँगा। लगभग 6 लाख की दवा का भी प्रकरण अनियमित है उसमें, जिसमें गाज कॉटन बैंडेज के खरीद पर आपत्ति दर्ज है और कुछ दवा जो CMLT रेट कॉन्टैक्ट में थी उसके साथ NABL की रिपोर्ट नहीं है, तथा कुछ मात्रा की दवाओं ने किसी फर्म से खरीदी है और किसी फर्म को भुगतान अनियमित दिखाया गया जो नहीं होना चाहिए। तो इन सभी 6 लाख के प्रकरण की अपने स्तर से जांच करके हमसे 1 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है, तो इस पर हम कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और रिपोर्ट जल्दी ही समीक्षा करके दे दी जाएगी। एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये सामान रैंडम ऑडिट विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया है और इसकी सूचना उनको देगी, इसका CAG से कोई संबंध नहीं है।